फर्स्ट ऑगस्ट तक है उसके बाद इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा तो जिस जिसको नहीं पता है परचेज कर ले जल्दी से बैच। में सबसे दिखेगा आपको तो याद रखिएगा जो यहाँ पर महासंगम बैच में इतने सारे बैचेज होने वाले हैं ये हमने सिर्फ आप जैसे बच्चों के लिए जिनके पास अभी फी भी ज्यादा नहीं हो पा रही है क्योंकि अगर इन सारे बैचेस का प्राइस निकालोगे तो पांच से छह हजार रुपए निकलेगा हमने इनको एक साथ कंबाइन कर दिया है ग्यारह सौ रुपए लेकिन एडमिशन सिर्फ आप, आप आ, 31 जुलाई तक सकते हैं, उसके पास, उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तो, <coughs> <coughs> तो डेली छ से सात घंटे आपकी लाइव क्लास होगी बढ़िया यहाँ पर पढ़ो ठीक है चलो अब हम पढ़ाई करते हैं और इसके बाद एनडीए एक एक का बैच भी है इस बैच को जो एनडीए वाले बच्चे हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं एनडीए की मैथ का लिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करूं और आज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं ठीक है मैम पटना डूब रहा है बचाओ मुझे अच्छा पटना में बहुत तेज बारिश हो रही है ना मैंने सुना है मैम टाइम्स के डायरेक्टर कौन है अब मैं फालतू की बातों की रिप्लाई नहीं करूंगी डायरेक्टर कोई नहीं है सब लोग डायरेक्टर है भरत सर डायरेक्टर जानना है तो आप जान लीजिए भरत सर डायरेक्टर है ठीक है चलो अब सुनो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे ध्यान से सुनो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कार्डियक सर्कुलेशन और अब कोई भी बच्चा मुझे कमेंट करेगा ना मैं चांटा मारूंगी उसे फोन के अंदर से ही क्योंकि आज का जो चैप्टर है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे आप इसको कार्डियक सर्कुलेशन बोलो आप इसको ब्लड सर्कुलेशन बोलो ब्लड सर्कुलेशन बोलो या आप इसको कार्डियक साइकिल बोलो सारे के सारे टर्म इसके लिए सही हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको इसको लिखो हृदय हृदय परिसंचरण या आप इसे लिखो रुधिर परिसंचरण या इसे लिखो हृदय चक्र हृदय चक्र एक बार फिर से सुनो कार्डियक सर्कुलेशन कार्डियक का मतलब होता है हार्ट हार्ट के अंदर कैसे सर्कुलेशन होता है अब हार्ट किसको सर्कुलेट करता है ब्लड को तो हार्ट के अंदर ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है ठीक है नेक्स्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे कि कार्डियक साइकिल भी सी वाई सी एल होगा ना साइकिल भी इसी को बोलेंगे हृदय चक्र भी इसी को बोलेंगे कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा अगले एक घंटे तक बस आप लोग एक घंटे तक मेरा साथ दे दो बच्चा बायोलॉजी स्पेशल का टाइमिंग चेंज नहीं हुआ एक से दो दिन में छः से आठ में क्लास चलेगी ठीक है तो प्लीज आप कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा एक घंटे मेरी चुपचाप बात सुन लो एक एक क्वेश्चन कम से कम मैं ये पढ़ाऊंगी ना इससे एक क्वेश्चन तो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है हर कंपटीशन एग्जाम में आता है अब देखो बच्चा कार्डियक सर्कुलेशन का मतलब क्या है मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि हमारे हार्ट के पास ब्लड आता है और हार्ट उसको बाहर भेजता है आता है बाहर भेजता है याद है आपको ये चीज कि हमारे हार्ट हमारा हार्ट एक मश... पंपिंग पंपिंग ऑर्गन है जैसे हमारे घरों में पानी को पंप करने वाली मशीन होती है वैसे हमारा हार्ट भी एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है बस पानी वाली मशीन पानी को पंप करती है और हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है अब आपको देखना है कि कैसे हमारे हार्ट के पास ब्लड आता है और कैसे यहां से बाहर जाता है ऑर्गन के पास भाई आप सब जान हैं, हमारे दिल में धड़कने बनती रहती हैं। वो धड़कने कुछ नहीं होता है आपका हार्ट एक बार ऐसे अंदर की है, एक बार करता है, एक बार हार्ट बीट कहा जाता है, है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे एक एक चीज ठीक है अभी आपको क्या सुनना है कि कैसे हमारे हार्ट के पास ब्लड आया कैसे वो ब्लड बाहर गया वो चीज उसी चीज को बोलते हैं हम कार्डियक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल आप कुछ भी नाम दे दो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस जो अगले घंटे में पढ़ाने जा रही हूं ना आपको इसके बारे या या सबसे पहले ने, थी? नाम ने, थी. ने सबसे पहले बताया था कब बताया था तो आप इन तो, बायोलॉजी में नहीं आते हैं कभी भी एग्जाम में तो विलियम हार्वे द्वारा साइकिल ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन सबसे पहले बताया गया था इसीलिए हम विलियम हार्वे को क्या बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन के फादर भी बोलते हैं मतलब जिन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया ठीक है ये हमारा चैप्टर है अब कोई मुझसे ही नहीं पूछेगा मैम क्या पढ़ा रहे हो मतलब हार्ट के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे खून आएगा कैसे जाएगा कैसे प्योर कहाँ इमप्योर आता है कहाँ प्योर आता है कौन लेकर आता है कौन लेकर ले जाता है ये सारे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर होंगे अब आते हैं हम नए पेज पे। अब नए पेज पे मैं सबसे पहले वो सारी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं हार्ट के अंदर ये आपका दिल सुंदर सा दिल आपका है ना आप देखो बच्चा कुछ बच्चे तो पहले के ज़माने में या आज भी करते होंगे दिल कैसे बनाते हैं कुछ लोग कुछ लोग ऐसे बनाते हैं और बीच में एरो चलाते हैं इधर सोनिया लिखते हैं इधर पंकज लिखते हैं है ना ऐसा हार्ट का कोई भी आकार नहीं होता है ये सब बस आप लव लेटर पे लिखो तो अच्छा लगेगा या किसी को भेजो व्हाट्सअप की इमोजी में तो अच्छा लगेगा दिल का ये आकार होता है ऐसे होता है फिर सेफ होता है ठीक है बच्चा ये कोई भी नहीं बनाएगा और ये जो

हार्ट का ये सब इस किताबों में या मूवीज में या व्हाट्सअप इमोजी में इनमें ही अच्छे लगते लगते हैं हैं या लव लेटर पे अच्छे लगते हैं, ये कोई हार्ट का आकार नहीं होता अगली बार कभी बनाएं तो आप कुछ ऐसा सा हार्ट बना के देना किसी को बनाना हो तो ऐसा सा बना कर देना और ये तीर अंदर ही रखना बाहर मत लेके जाना अगर बाहर लेके गए ना तो तीर चलाने लायक बचोगे नहीं दूसरी बार बाहर ले गए मतलब खून बाहर निकल गया हार्ट से तो ऐसा कोई आकार नहीं होता ये सब मूवीज वूवीज में अच्छा लगता है ठीक है अब आओ यहाँ पर तो ये अभी तक मैं सिर्फ अगले दस मिनट तक वही सब पढ़ाऊंगी जो आपको पढ़ा चुकी हूँ अब वो काम आएगा आपका दो दिन को जो मैंने दो दिन तक आपको जो हार्ट के ऊपर जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई है ना वो अब यहाँ काम आएंगे आपकी ठीक है ये लो सबसे पहला ये हमारा हार्ट का क्या है बच्चा दीवार है वॉल है और हार्ट हार्ट एक कैसा ऑर्गन है मस्कुलर ऑर्गन है पढ़ा चुकी हूं सारी चीजें पढ़ाई हुई होंगी ठीक है मस्कुलर ऑर्गन है कहने का मतलब हार्ट में सिर्फ क्या है मसल्स है मांसपेशियां हैं तो ऐसे आपके हार्ट के अंदर मांसपेशियां हैं और इन मांसपेशियों को हम क्या बोलते हैं कार्डियक मसल बोलते हैं पढ़ाया था मैंने कि वो मांसपेशियां जो हार्ट का निर्माण करती हैं उनको कार्डियक मसल बोलते हैं कार्डियक पेशियां बोलते हैं अब हमारे हार्ट के अंदर मैम आपने पढ़ाया कि एक बार सेप्टम ऐसे निकलता है और एक बार सेप्टम ऐसे निकल जाता है और वो कितने चैम्बर बना देता है वो चार चैम्बर बना देता है ये कौन सी मसल बनाई है मैम ने इसको सेप्टम बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा इसको सेप्टम वो मसल वो पेशी जो हमारे हार्ट को चार चैम्बर में डिवाइड कर देती है उसका नाम होता है सेप्टम ठीक है उसका नाम होता है सेप्टम अब जल्दी से बताओ मैं इस चैम्बर को क्या नाम दूँ इसको नाम दूंगी मैं लेफ्ट ओरिकल अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फुल फॉर्म अब तक याद हो गई होगी इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल इसको बोलेंगे राइट ओरिकल इसको क्या बोलेंगे बच्चा राइट वेंट्रिकल पढ़ा चुकी तो चीज़ें ऊपर वाले छोटे होते हैं नीचे वाले बड़े होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग ये होता है इतनी चीजें पढ़ा चुकी हूँ यस मैम पढ़ा चुके हो अब यहाँ पर हमने कितने वॉल्व बनाए थे जल्दी से बनाओ कितने वॉल्व थे वॉल्व क्या थे दरवाजे कितने तीन और तीन को नाम क्या दिया था ट्राइक स्पीड ठीक है यहां पर कितने बनाए थे दो और दो को नाम क्या दिया था बाइकस्पिड याद है ना यहां पर कौन सा बनाया था? वॉल्व कौन सा बनाया था? थार वॉल्व और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे अर्ध चंद्र कपाट अर्ध चंद्र कपाट आधे चांद के जैसा दिखने वाला ठीक है अब यहां पर हमने कल आयोटा बनाया था याद है किसी और कलर के पेन से कौन सा कलर लूं जो आपको दिख जाए ग्रीन दिख जाएगा चलो देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था यहाँ पर हमने ऑटा बनाया था और इस ऑटा के ऊपर जो वॉल्व होता है कपाट होता है उसको हमने कौन सा वॉल्व बोला था इसका नाम लिख दो ऑर्टिक वॉल्व ऑर्टिक वॉल्व ऑर्टिक वॉल्व ठीक है आयोटा वाला कपाट मुझे बताओ ये हमने क्या बनाई थी ये हमने आयोटा बनाई थी अब ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं और ओटा आयोटा क्या होती है लार्जेस्ट आर्टरी होती है ठीक है बच्चा इसको यहां पर मैंने दो सबसे बड़ी बड़ी वेन बनाई थी और उन बड़ी बड़ी वेन का नाम क्या बताया था मैंने कि दो वेन जुड़ी हुई होती हैं और वो सबसे बड़ी वेन होती हैं और नाम होता है वैना कैवा अब इस ऊपर वाले को बोलेंगे बच्चा सुपीरियर वैना कैवा क्या बोलेंगे सुपीरियर वैना कावा और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे उच्चतम उचतम वैना ऊंची वाली है ना तो वैना कावा और इस नीचे वाले को बनाएंगे इनफीरियर वैना कावा बोलते ना तुम मुझसे सुपीरियर है तुम मुझसे इन्फीरियर है इन्फीरियर का मतलब तो नीचा ठीक है वैना कावा इसको बोलेंगे निम्नतम वैना कावा निम्नतम वैना कावा ठीक है बच्चा अब इस सेमी वॉल्व से एक ऐसी आर्टरी जोड़ी थी कल मैम ने जिस आर्टरी के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है और जल्दी से बताओ वो कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर हमेशा इमप्योर ब्लड रहता है अब मैं इतनी उम्मीद आपकी आपसे कर सकती हूँ बच्चों कि आपको ये सब याद है क्योंकि मैंने पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए ये कौन सी आर्टरी बनाऊँ इस आर्टरी का नाम लिखेंगी मैम पलमनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी बच्चों पलमनरी आर्टरी हिंदी में बोलते हैं फुफूस धमनी कौन सी धमनी फुफूस और फुफूस का मतलब क्या होता है बच्चा फेफड़ा तो ये किससे कनेक्ट होती है फेफड़े से कनेक्ट होती है ये फुफूस ये धमनी ओके चलो और ये कौन से ऑर्गन से कनेक्ट है लंग्स से तो यहाँ हम क्या बनाएंगे हमारे फेफड़ों का नाम लिखेंगे लंग्स लिखेंगे अब उसके बाद मैम ने पढ़ाया था कि एक ऐसी वेन होती है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है और वो वेन कौन से ऑर्गन से कनेक्ट होती है लंग से और इस वेन का नाम क्या था इसका नाम था पल्मोनरी वेन लिखो पल्मोनरी वेन और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे फुफूसिए श एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ठीक है बच्चों फुफूस ये सीरा इतनी बातें मैम आपको कल तक पढ़ा चुकी थी कोई बच्चा ना नहीं बोल सकता इसीलिए मैंने आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि जब मैं ये पढ़ाऊं तो मुझसे कोई पूछे ना आयोटा क्या होता है पलमनरी आर्टरी क्या होता है पलमनरी वेन क्या होता है यह मैं बार बार नहीं पढ़ाती अब हमें देखना है कि कैसे इस हार्ट के अंदर ब्लड आता है कैसे यहां से जाता है रिसभ कह रहे हैं क्लास नाइन्थ पूरी नहीं है ठीक है मैं चेक करवा लूंगी आप प्लीज एक बार यहां पर पढ़ाई में ध्यान दो अब बच्चों इस स्लाइड को मैं एक बार यहां से चेंज कर रही हूँ ठीक है बच्चा अब एक मैं नई स्लाइड ले रही हूं अब ये चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है? जो मैं अभी अगली चीज पढ़ाने वाली हूँ ना इसको कान खोलकर सुनना देखो बच्चों, हम लोग लेते हैं एयर मैंने ब्रीदिंग की ऐसे मैंने सांस लिया तो मेरे चारों तरफ की वातावरण की जो हवा है वो आई हवा कहाँ से प्रवेश करती है मेरी नाक द्वारा प्रवेश करेंगी मेरी नाक में जाएंगी नाक से कहाँ मेरे गले में जो पाइप है उसको बोलती हूँ मैं विंड पाइप वायु नली का और ये इस एयर को कहाँ पे ट्रांसफर करेगी मेरे फेफड़ों तक ट्रांसफर करेगी दो फेफड़े हैं ऐसे आपका विंड पाइप है आगे चलकर ऐसे डिवाइड हो जाता है क्योंकि फेफड़े दो हैं गनों में एयर भेजना है तो एक एक विंड पाइप इधर जाएगा एक विंड पाइप इधर जाएगा और दोनों फेफड़ों में एयर लेकर जाएगा ठीक है बच्चा दोनों फेफड़ों में एयर लेकर जाएगा अब लंग्स में क्या होता है बच्चा लंग्स में होता है ब्लड ब्लड और इस में, इस हवा में में हवा जितनी भी गैसेस आई थी उन गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन क्या होता है सोल्यूबल होता है अब क्यों होता है क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इस हीमोग्लोबिन का, का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना बाकी की सारी चीजें ऐसे निकल जाती हैं। आप बच्चों मेरा पॉइंट सुनना ध्यान से मैं ये चीज क्यों बता रही हूं आपको भाई ये ऑक्सीजन खून में घुल जाती है और खून आप जानते हैं सारे दिन ऐसे घूमता रहता है ठीक है खून क्या करता है सारे दिन घूमता रहता है और सारे दिन घूमता 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 खून कहाँ आएगा तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स की सेल्स के पास जाएगा भाई मैंने पहली क्लास में बताया कि हमारा बॉडी या लिविंग का बॉडी किससे मिलकर बना होता है तो आप बताओगे किससे मिलकर बना होता है लिविंग का बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ होता है हमारा बॉडी कुछ नहीं है सबसे पहले हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर बनी थी वो सेल बनी थी और सेल से टिश्यूज बनते हैं और टीश्यूज से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है प्लीज यहाँ यहां से रामबीर को ब्लॉक कर दीजिए रामबीर को ब्लॉक कर दीजिए ठीक है चलो तो हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ होता है सेल्स काम करती हैं और काम करने के लिए क्या चाहिए होता है ऊर्जा चाहिए होता है है तो ये ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करता है? ये खून में घुला खून ऐसे घूम रहा है सारे बॉडी के अंदर और खून घूम रहा है तो खून एक एक सेल के पास जाएगा ये यहां पर आपकी मान लो सेल है कोई भी ऑर्गन की एक सेल का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कोशिका है आपकी यहाँ पर ठीक है अब क्या होगा इस सेल के पास ग्लूकोज पड़ा हुआ होता है यह ग्लूकोज का फॉर्मूला है और यहां से खून घूमता 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 अपने साथ ऑक्सीजन लाया और इस सेल को लाके दे दिया बोला सेल ये ले ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन आया और अब सेल्स क्या करेंगी इस ऑक्सीजन से इस ग्लूकोज को तुड़वाएंगी ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा इसका ऑक्सीडेशन करेगा इसको तोड़ देगा और जैसे ही ग्लूकोज टूटता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है और ह्यूमन बॉडी में जो ऊर्जा होती है वो ए की फॉर्म में होती है ए के रूप में पाई जाती है ये बात आपको मैम बहुत बार बता चुकी हैं एक बार फिर सुनो क्या बोला मैंने मैंने बोला मैंने ऐसे ब्रीदिंग करी तो मैंने ऐसे एयर ली एयर मेरे फेफड़ों में आएगी तो फेफड़ों में जो मेरा हीमोग्लोबिन है या फेफड़ों में जो खून है उस खून में मेरा ऑक्सीजन घुल जाएगा खून सारा दिन घूम रहा है यहाँ से लेकर नीचे टखने वाले पार्ट तक खून सर्कुलेट हो रहा है जब खून घूम रहा है साथ में ऑक्सीजन घूम के मेरे बॉडी की हर एक सेल के पास जा रहा है मेरी सेल्स के पास पहले से ग्लूकोज था ये ग्लूकोज खाना खाने खाते हैं आप जो जो भी कंपाउंड्स खाते हैं उन सबसे बनता है ऑक्सीजन आया इस ग्लूकोज को तोड़ा तोड़ने से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा बना बच्चों आप सब जानते हैं ऊर्जा को हमारी सेल्स क्या कर लेंगी काम में ले लेंगी क्योंकि आपने पढ़ा है कि काम के को, कोई भी काम करना है तो आपको ऊर्जा चाहिए चाहिए एनर्जी चाहिए चाहिए ठीक है पानी तो 70% परसेंट हमारे बॉडी में वॉटर होता है लेकिन बच्चों इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हमें रिक्वायरमेंट है आप बोलोगे नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी नहीं है अब यह कार्बन डाइऑक्साइड को हमें शरीर से बाहर करना है हमें करना है तो ये सीओ टू हमारे खून में घुलेगा में आप याद रखना ऑक्सीजन सीओ टू दोनों ही खून में घुले हुए होते हैं ठीक है तो ये सीओ टू हमारे खून में घुलेगा अब बच्चों खून क्या करता है खून घूमेगा 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 और खून क्या करेगा ये खून जाएगा हमारे हार्ट के पास किसके पास जाएगा हमारे हार्ट के पास कैसा खून आया है CO2 टू वाला और CO2 टू का अमाउंट ज्यादा होता है तो उस खून को हम क्या बोलते हैं इम्प्योर ब्लड बोलते हैं अशुद्ध रुधिर बोलते हैं जितनी भी सारी सेल्स हैं ध्यान से सुनो मैं आपको पिक्चर की तरह समझा रही हूँ कान नाक हाथ गला जितने भी आपका लीवर पेनकरिया जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के पास एनर्जी बनती है जब जब एनर्जी बनेगी साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा लेकिन उन सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या होता है बच्चा वो सेल्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड खून के अंदर घोल देती हैं अब ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है मैम ने पढ़ाया है उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं उसको ऐशुध रुधिर बोलते हैं अब क्या होगा ये इम्प्योर ब्लड सारा का सारा किसके पास आएगा हार्ट के पास आएगा हमारे दिल के पास आएगा ऐसे यहां पर मान लो मेरा हार्ट है सारे ऑर्गन से सारे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड मेरे हार्ट के अंदर आ रहा है ठीक है अब बताओ इम्प्योर ब्लड को कौन सी वेसल्स कैरी करती हैं है? मैम आपने पढ़ाया था इम्प्योर ब्लड को वेन्स कैरी करती हैं पढ़ा चुकी हूं सिराओं में हमेशा कैसा ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड तो जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं उन सब से वेंस जुड़ी हुई होती हैं और वो वेंस के अंदर कैसा ब्लड आता है सीओ टू वाला और पंप करके मतलब इस ब्लड को प्रेशर देगा और प्रेशर दे के फेफड़े के पास ट्रांसफर करेगा किसके पास हमारे दोनों फेफड़ों के पास ट्रांसफर करेगा और फेफड़े क्या करेंगे इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर कर देंगे और कौन सी गैस को इन कर देंगे ऑक्सी ऑक्सीजन को इन कर देंगे ठीक है फेफड़ों ने क्या किया ये देखो यहां पर कैसे यहां आओ देखो भाई फेफड़ों में इससे गया तब ऑक्सीजन गया वापिस खून आया तो फेफड़ों के पास क्या आया कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े क्या करेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड को विंड पाइप विंड पाइप से नौ जो नौ से आउट कर देंगे फिर जो खून सी ओ टू लेकर आया था उसको ऑक्सीजन दे दिया जाएगा तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ एक लाइन में समझ लो अगर इतनी गाथा नहीं समझ में आई है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैस क्या करती है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने से हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड खून में घुल जाता है खून सारा दिन घूमता रहता है खून घूमता 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 हमारे दिल के पास आएगा हार्ट के पास आएगा हार्ट उस ब्लड को पंप करेगा और पंप करके फेफड़े के पास भेज देगा बोलेगा फेफड़ा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर दे और मुझे वापिस खून मेरा दे दे लेकिन इस खून के अंदर कौन सी गैस दे दे मुझे ऑक्सीजन वाली गैस दे दे ताकि मैं ये ऑक्सीजन है वो वापिस सेल्स के पास पहुंचाऊं सेल्स वापिस एनर्जी बनाए वापिस सीओ दे फिर वापस ऑक्सीजन दूं और ऐसे ऐसे आपके बॉडी में पूरा प्रोसेस चलता रहता है उसी को ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं या कार्डियक सर्कुलेशन उसी का ही नाम होता है तो आप एक पॉइंट मैं यहां पर आपको क्या क्लियर करना चाह रही हूं यहां पर आओ मैंने ये बोला यहां से हार्ट के अंदर खून आएगा यहां से निकलकर फेफड़ों के पास जाएगा फेफड़े इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर देंगे ऑक्सीजन इन कर देंगे फिर फेफड़ों ने वापस खून किसको दे दिया हार्ट को दे दिया हार्ट फिर सारे ऑर्गन के बीच में सर्कुलेट कर देगा अब आओ यहां पर हम इस चीज को पढ़ते हैं इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देती हूं और यहां पर कुछ चीजें समझाती हूं देखो बच्चों मान लो यहां पर कोई आपका एक ऑर्गन है मान लो यहां पर कोई भी एक अंग है ऑर्गन का मतलब होता है अंग और ऑर्गन्स की बेसिक यूनिट क्या होती है सेल इस ऑर्गन के पास कोशिकाएं हैं और इस ऑर्गन की सेल्स हैं वो काम करती हैं और काम करने के लिए इस ऑर्गन को क्या चाहिए होती है बच्चा काम करने के लिए इस ऑर्गन को क्या चाहिए होगा एनर्जी और इस ऑर्गन के पास एनर्जी कैसे बनेगा तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कौन करेगा ऑक्सीजन तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एटीपी बना ठीक है एटीपी एनर्जी होता है इसका फुल फॉर्म 50 बार बता चुकी हूँ एडिनोसिन ट्राइफोसफेट एडिनोसिन ट्राइफोसफेट एटीपी रख लेगा ये सेल पानी रख लेगा लेकिन ये सी ओ टू नहीं रखेगा तो यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गन है उस ऑर्गन के पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर घोल देगा ब्लड के अंदर किसके अंदर खून के अंदर और ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं अशुद्ध रुधिर बोलते हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं अब इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है वेंस बहुत सारी सिराएं होती हैं कुछ लीवर से लगी हुई होती हैं कुछ पैनक्रिया से लगी हुई होती हैं कुछ किडनी से लगी हुई होती हैं कुछ ब्रेन से लगी हुई होती हैं और ये सारी वेंस सारा का सारा इम्प्योर ब्लड किस तक लाएंगी हार्ट तक लाएंगी क्या पढ़ाया मैंने फिर सुनो मैंने बोला यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गन है अंग है उस अंग के पास बहुत सारी सेल्स हैं उन सेल्स को काम करना है और काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए तो ये ऑर्गन जब एनर्जी बनाएगा तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा ही होगा लेकिन ये ऑर्गन बोलता है कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको बाहर कर दो अब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा ब्लड के अंदर और ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं अशुद्ध रुधिर बोलते हैं और अशुद्ध रुधिर हमारे बॉडी में सिराए कैरी करती हैं वेंस के द्वारा यह कैरी किया जाता है अब ये छोटी छोटी वेन थी ऐसे बहुत सारी वेन है मान लो और ये वेन क्या करती है बच्चा इस इम्प्योर ब्लड को सबसे बड़ी वेन में लाकर छोड़ देती है अब बताओ सबसे बड़ी वेन ये

चेस्ट चेस्ट के अपर से ये आपका चेस्ट है इससे ऊपर वाले ऑर्गन से खून आया है तो वो खून जाएगा सुपीरियर वेना कावा में अगर चेस्ट के लोअर पार्ट से आया है ये खून तो जाएगा इंफीरियर वेना कावा में ठीक है लेकिन ब्लड कैसा है ये इम्प्योर तो अगर ये खून अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे ब्रेन से आया है तो ब्रेन चेस्ट का अपर ऑर्गन है तो किस में जाएगा सुपीरियर वैनाकावा में अब मान लो ये खून आया है हिप्स वाले एरिए में तो हिप्स कहाँ है चेस्ट के नीचे वाले पार्ट में है तो कहाँ आएगा ये ये इन्फीरियर वैना कावा में आएगा तो ऐसे ऐसे अब इस चीज़ को मैं हटा सकती हूँ ताकि आपको मैं बोर्ड बड़ा करके समझा पाऊँ तो ऐसे आपके बॉडी में इम्प्योर ब्लड है वो बहुत सारी वेन्स कैरी करती हैं और बहुत सारी वेन सबसे पहले लाकर छोड़ देती हैं किसके अंदर ज़रा बताओ जल्दी बताओ किसके अंदर लार्जेस्ट वेन के अंदर ऐसे बहुत सारी वेन थी बच्चा बहुत सारी सिराएं थी वो उस खून को कहाँ लाकर छोड़ेंगी सुपीरियर वैना कावा में या इन्फीरियर वैना कावा में अगर ये खून चेस्ट छाती के किसी ऊपरी भाग के अंग से आया है तो सुपीरियर वैना कावा में जाएगा और अगर ये खून छाती के किसी लोअर पार्ट से आया है तो इन्फीरियर वैना कावा में जाएगा आप मुझे बताओ इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा किस चैम्बर किस से जुड़ी हुई है राइट से भी यहाँ आया खून किस चैम्बर में प्रवेश कर गया राइट ओरिकल में राइट ओरिकल के अंदर ऐसे खून हो गया लेकिन बताओ बच्चों इस खून के अंदर कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड और मैं बता चुकी हूँ कि राइट वाले पार्ट में ही हमेशा सी ओ टू वाला ब्लड होता है राइट वाले पार्ट में ही हमेशा सी ओ टू वाला ब्लड होता है ठीक तो है तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ चुका है बच्चों सारा का सारा खून राइट ओरिकल में दाएं आलिंद में आ चुका है जुबेर कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है जुबेर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है मैम आप कमेंट्स भी रीड किया कीजिए जुबैर आप मत बताएं मुझे कि कब क्या करना है मैंने पहले ही कहा था कि एक घंटे सुन लो उसके बाद कमेंट लूंगी एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है बच्चा टीचर अब मैं कमेंट पढ़ रही हूँ तो कमेंट ही पढ़ूंगी और आप अकेले तो है नहीं बैच, बैच में हजारों बच्चे हैं तो वो हजारों बच्चे बच्चा आपको समझ में नहीं आया बाकी सबको तो आया है ना तो पेशेंस रखो नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ अब मोहित कह रहे हैं पल्मनरी आर दोनों लंग से जुड़ी होती है क्या यार थोड़ा रुक तो जाएगा बोल रहे हैं सी ओ टू कितना परसेंट छोड़ रहे हैं अरे भाई रखा करो किसी दिन मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया ना मैं कॉमेंट सेक्शन बंद करके पढ़ा दूंगी क्योंकि मुझे पढ़ाने से मतलब है ठीक है थोड़ा पेशेंस कसम दी थी तुम लोगों को कि एक घंटे रुक जाओ नहीं समझ में आए तो एक चीज चिल्ला चिल्ला के फिर पढ़ाऊंगी लेकिन नहीं पहले दोनों लंग से जुड़ी हुई होती है क्या सी ओ टू कितना परसेंट छोड़ते हैं भाई मुझे पता है कि बच्चों के कैसे पहली बार बैच नहीं पढ़ा रही हूं कि कैसे बच्चों के डाउट आते होंगे दिमाग में सब बताऊंगी कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं हमारे बॉडी में कितना परसेंट सी ओ टू होता है कैसे बाहर जाता है कैसे आता है एक एक चीज बताऊंगी यार आप किसी का भी कॉमेंट दिखेगा ना तुरंत टेक्निकल टीम ब्लॉक कर देना ठीक है ब्लॉक कर देना मेरा पढ़ाई का रिदम जब तोड़ता है ना उसको मेरे बैच से हटाओ बाहर ठीक है मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे देखो अब देखो मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा दस मिनट का लॉस आपका है मेरा नहीं है ठीक है अब बोल रहे मैम ईगो शांत ईगो नहीं बोलते हैं इसको इसको ईगो नहीं बोलते हैं पागल हो गए हो ओके इसको ईगो नहीं बोलते हैं इतना अच्छे से पढ़ा रही थी सारा रिदम तोड़ दिया आपने दिल की बातें चल रही है हार्ट जानते हो ना कैसा ऑर्गन होता है हार्ट को गुस्सा आ गया ना तो फिर तुम लोगों को पता लग जाएगा क्या होना है ठीक है चलो देखो यहाँ पर तो जितने भी सारे ऑर्गन है उनसे ब्लड आया है ना ब्लड कौन लेकर आई ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि हमारे राइट right ओरिकल में ब्लड कौन लेकर आता है अब बच्चों देखो अब आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा फिर बोलोगे मैडम ने तो कुछ ढंग का पढ़वाया नहीं था है ना देखो तो यहां से आपका इमप्योर ब्लड आता है कहाँ से सुपीरियर वैना से इनफीरियर वैना से होता हुआ किस चैंबर में आया राइट right ओरिकल में दाएं आलिंद में अब दाया आलिंद क्या करेगा बच्चा भर जाएगा ब्लड से ठीक है भर गया भरने के बाद अब क्या होगा दाया आलिन देख लो मान लो ये आपका ऊपर वाला राइट ओरिकल है अब यहां पर सिर्फ मैंने दो उंगलियों को हिलाया मैंने यहां से से ध्यान देखना ये आपका राइट ओरिकल है ये भर गया भरने के बाद ऐसे बेचारा फूल गया अब इस राइट ओरिकल के अंदर जो मसल्स हैं वो मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ऐसे अंदर की साइड से खींचेंगी और जैसे ही खींचेंगी तो मान लो ये राइट ओरिकल है ये अंदर की साइड खिंच रहा है ऐसे

क्या बोलते हैं स्पंज स्पंज को पानी में डालो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है फिर आपको इसको ऐसे निचोड़ते हो निचोड़ते तो क्या करता है पानी नीचे जाता है जैसे हम लौकी वोकी की रायता बनाते हैं तो लौकी के अंदर पानी होता है उसको ऐसे ही निचोड़ देते हैं उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन तो आपका हार्ट का राइट ओरिकल दाया आलिंद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा कॉन्ट्रैक्ट करने से इन वाल्व के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ एक दबाव क्रिएट हुआ और उसी प्रेशर से ये वॉल्व की ओपनिंग हो जाएगी खुल जाएंगे खुलने के बाद जो ब्लड यहाँ था वो तुरंत नीचे की साइड आ जाएगा ऐसे सारा खून आ गया बच्चा नीचे की साइड अब नीचे की साइड कौन सा कौन सा चैम्बर है जल्दी बताओ नीचे वाला चैम्बर कौन सा है राइट वेंट्रिकल दाया नीले तो अब दाए आलिन से होता हुआ ट्राइक स्पीड के खुलने की वजह से सारा का सारा खून दाएं नीले में में आ गया। right वेंट्रिकल में आ गया गया राइट राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल अब में सारा जब खून आ चुका है तो देखो खून की डायरेक्शन क्या हुई है अपवर्ड हुई है या डाउनवर्ड डाउनवर्ड ऊपर से नीचे आया है सारा का सारा खून अब राइट वेंट्रिकल भर जाएगा भाई जो ऊपर खून था वो नीचे आ गया राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल भर जाएगा तो भरने के बाद राइट वेंट्रिकल में एक वॉल्व होता है कौन सा वॉल्व बच्चा जल्दी बताओ इस वॉल्व का नाम क्या है सेमी लुनार वॉल्व अब मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था मैम इसका फंक्शन क्या होता है इस सैमी लुनार वॉल्व का कार्य क्या होता है तो ये वॉल्व बच्चा इस वॉल्व से एक ऐसी आर्टरी मैंने कहा ना आधा है आधा बना हुआ है अर्ध अर्ध देखो आधा ऊपर से खुला हुआ आधा नीचे से खुला हुआ जहाँ से नीचे वाले पार्ट से खुला हुआ होता है उस पार्ट से एक ऐसी आर्टरी एक ऐसी धमनी जुड़ी हुई होती है जिस धमनी में हमेशा जिसमें हमेशा इमप्योर ब्लड रहता है और उस आर्ट्री का नाम क्या है पालमनरी आर्ट्री फुफूस धमनी तो इस वॉल्व का काम क्या होता है धीरे 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 यहां से जो खून था उस खून को ये ऐसे ऐसे कौन सी आर्टरी में पहुंचाना आप बताओगे पलमनरी आर्टरी फुफूस धमनी में पहुंचाना तो इस सैमिनार वोल्व का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा सैम्यनार व्व से कौन सी आर्टरी जुड़ी होती है आंसर क्या देंगे पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड होता है सेमिनार वोल्व में सियोटो वाला अभी सियोटो वाले ब्लड की बात चल रही है इम्प्योर ब्लड है तो इस वॉल्व से ऐसे करता करता आपका खून ऐसे कौन सी आर्टरी में चला गया बच्चा कौन सी धमनी में पल्मनरी आर्टरी में और पल्मनरी आर्टरी से होता हुआ हार्ट से बाहर निकल गया खून एक बार यहाँ से आया था एक बार बाहर निकल चुका है बच्चा ध्यान से सुनना लेकिन ये खून आया सारे ऑर्गन से दिल के पास दिल के, आ, के दिल का क्या हुआ बच्चा दिल का जो अच्छा कैसे जाता है वो बताती हूँ रुको तो दिल का राइट ओरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करा ट्राइक स्पीड ओपनिंग नीचे आ गया खून किस में राइट वेंट्रिकल अब राइट वेंट्रिकल भी नीचे आप नीचे वाली उंगलियां ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी भाई अब ये अंदर की साइड से कूड़ेगा जैसे ही अंदर की साइड होता हुआ कहा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी इसको बाहर ले जाएगी ये हमारे दिल से ऐसे बाहर निकलती है ऐसे बाहर निकलती है ठीक है अब इधर की साइड नहीं निकलेगी पलमनरी आर्टरी ऐसे निकलती है तो ये आपके फेफड़ों में जाकर ऐसे आपका खून ले जाती है ठीक है अब देखो बच्चा पलमनों का मतलब क्या होता है लंग्स फेफड़ा तो ये आर्टरी ऐसे खून को ले गई कहाँ पर हमारे फेफड़ों के पास हमारे लंग्स के पास किसके पास बच्चा हमारे फूफूस के पास फूफूस का मतलब क्या होता है लंग्स अब मुझे बताओ कि हमारे फेफड़ों के पास जो खून आ रहा है उस खून के अंदर कौन से गैस का अमाउंट ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है कहने का मतलब है जो हमारे दिल से होता हुआ खून फेफड़ों के पास आया है वो कैसा है बच्चों वो इमप्योर है वो अशुद्ध है अभी तक इमप्योर की तो बात हो रही है ठीक है अब फेफड़ा क्या करेगा फेफड़े का काम होता है बच्चा ध्यान से सुन लो इस सीओ टू को आउट करना ठीक है जितने खून से सीओ टू आया है उतने खून को आउट कर देगा ठीक है और सी ओ टू को आउट करके जितना खून आया था उस खून में कौन सी गैस को इन करना ऑक्सीजन को इन करना ऑक्सीजन को इन करना ठीक है एक बार फिर सुनो मैंने बोला कि हमारे हार्ट से जो भी ब्लड आया उसके अंदर सीओ टू वाला अमाउंट ज्यादा होता है इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट से जब खून फेफड़ों के पास जाता है तो वो इम्प्योर होता है वो प्योर होने के लिए जाता है और प्योर का मतलब है हमारा फेफड़ा उस खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देगा ऑक्सीजन इन कर देगा और इस केस को बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज होना गैसों का आदान प्रदान होना गैसों का आदान प्रदान होना ठीक है अब देखो बच्चा साइंस में दो टर्म होते हैं मैं कह रही हूँ ये मेरा ना टीचिंग करियर में सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन मुझसे बच्चा पूछता है वो ये क्वेश्चन पूछता है कि मैम ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है और ब्लड को फिल्टर कौन करता है देखो बच्चा ब्लड को प्यूरीफाई करने का मतलब होता है ब्लड के अंदर से गैसेस का एक्सचेंज होना सी टू का बाहर जाना ऑक्सीजन का इन आना इसको बोलते हैं ब्लड प्योरीफिकेशन और ब्लड प्योरीफिकेशन करते हैं आपके फेफड़े यहाँ पर प्यूरिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि खून के अंदर गंदगी थी तो उसको आपने हटा दिया नहीं यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है ब्लड के अंदर सी ओ टू की मात्रा ज़्यादा थी तो सी ओ टू बाहर करना था ऑक्सीजन लाना था अब ऑक्सीजन क्यों लाना था क्योंकि हमें एनर्जी बनानी थी ऑक्सीजन के बिना हमारी सेल्स एनर्जी नहीं बना सकती तो हमेशा हमेशा के लिए अपने खोपड़ी में एक बात सेट कर लो कि ब्लड प्योरीफिकेशन का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान होना ब्लड प्योरीफिकेशन का मतलब होता है गैसेस एक्सचेंज होना और गैसेस एक्सचेंज कौन करता है फेफड़ा और ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब है खून के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं उनको फिल्टर करना है उनको छानना है और वो फिल्टर लगे हुए होते हैं हमारी किडनीज़ के पास तो ब्लड को फिल्टर करना है तो किडनी के पास जाएगा ब्लड में गैसेस एक्सचेंज करनी है तो वो किसके पास आएगा फेफड़े के पास आएगा हमें यहाँ पर गैसों को एक्सचेंज करना है तो याद रखिएगा कि अब हमारा लंग्स क्या करेगा गैसों का आदान प्रदान करेगा सी ओ टू को बाहर कर देगा ऑक्सीजन को अंदर कर देगा अब ये कैसे बाहर करेगा कैसे अंदर करेगा वो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में पढ़ाऊंगी अच्छे से अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि जो खून हमारा हार्ट से निकल कर इम्प्योर वाला हमारे फेफड़े के पास आया फेफड़े ने क्या किया उसमें से सी ओ टू को बाहर कर दिया और ऑक्सीजन को अंदर कर दिया आप इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन रुधिर का शुद्धिकरण तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस इन विच ऑर्गन क्या लिखोगे लंग्स फिर पूछे ब्लड फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन विच ऑर्गन तो किडनी होगा ठीक है तो यहां पर हो गया ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहने का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन आ गया सीओ टू चला गया अब कैसे आएगा कैसे जाएगा वो हम फेफड़े वाले चैप्टर में कराएंगे वो यहां का पार्ट नहीं है ठीक है तब मैं आप लोगों से वापस पूछूंगी ये चीजें अब बच्चों जब खून आया था तो उसमें सीओ टू आया था सीओ टू बेचारे फेफड़े ने बाहर कर दिया और फेफड़े ने इसके अंदर कौन सी गैस घोल दी ऑक्सीजन वाली गैस घोल दी जो खून आया था उतने ही खून में फेफड़ों ने यहाँ पर क्या कर दिया फेफड़ों ने उतने ही खून के अंदर ऑक्सीजन मिला दिया अब मुझे बताओ ऑक्सीजन का अमाउंट जब ज़्यादा होता है तो उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं उसको हम प्योर ब्लड उसको हम सु, सुधीर शुद्रुधीर बोलते हैं उसको सुद्रुधिर बोलते हैं हम ठीक है अब क्या होगा बच्चा अब आपके फेफड़ा क्या नैतिक दायित्व बनता है कि जितना खून मैंने हार्ट से बुलाया था उतना खून मैं वापस हार्ट को दे दूं ठीक है अब शर्त क्या है कि जब हार्ट से बुलाया था था उसके अंदर आया लेकिन अब मैंने उस ब्लड को ब्लड के अंदर क्या घोल दिया है ऑक्सीजन घोल दिया है कहने का मतलब मैंने प्योर कर दिया है उस ब्लड को मैंने बताया है प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना अब बच्चा अब आपका लंग्स क्या करेगा लंग्स ऐसी वेन को खून दे देगा जिस वेन के अंदर हमेशा प्योर ब्लड रहता है और कौन सी वेन है वो पल्मोनरी वेन पलमनों का मतलब ही क्या होता है लंग्स तो ये किससे जुड़ी हुई है लंग्स से तो अब आपके फेफड़े ने ऐसे सारा का सारा खून ऐसे बच्चों सारा का सारा खून किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया पल्मनरी वेन पल्मनरी वेन ऐसे आएगी और वो किससे जुड़ी हुई होती है लेफ्ट ओरिकल से किससे जुड़ी हुई होती है बाएं आलिंद से और ये सारा का सारा खून फेफड़ों से लाकर किस चैम्बर में ला देगी लेफ्ट ओरिकल में ला देगी बाएं आलिंद में ला देगी लेकिन ये जो खून आया है उस खून के अंदर कौन सी गैस की मात्रा अधिक होगी ऑक्सीजन की तो ये खून कैसा कहलाएगा प्योर कहलाएगा देखो एक बार यहां से खून आया था फिर बाहर निकल गया अब वापिस एंटर कर रहा है खून लेकिन इस बार किससे आ रहा है लंग से आ रहा है तो कैसा आएगा ऑक्सीजन वाला आएगा अब किस टैंबर के अंदर आया बच्चा लेफ्टोरिकल के अंदर दाया आलिंद भर गया दाया आलिंद भरा तो तुरंत आपका दाया आलिंद ऐसे कौन्ट्रेक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसकी मसल्स अंदर की साइड खिंचेगी और खिंचने से सारा का सारा ये वॉल्व कौन सा वॉल्व है कस्पिड। इसकी क्या होगी ओपनिंग भाई इसके अंदर खून है खून आ गया तो क्या हो जाएगा तो ये बेचारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा किसके ऊपर बाइक स्पीड वॉल्व के ऊपर द्विक पर्दी कपाट के ऊपर और बाइक स्पीड खुल जाएगा और जैसे ही खुलेगा तो यहां का सारा का सारा खून कहां पर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में किस में लेफ्ट वेंट्रिकल में बाएं नीले में आ जाएगा ये नीचे वाला भर गया कौन सा लेफ्ट वेंट्रिकल अब भरने के बाद अब आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दो उंगली है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये जब अंदर की साइड कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये आयोटिक वॉल्व है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा तो यहां से सारा खून ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद किस में जाएगा आयोटा में जाएगा यहां से खून बाहर निकल चुका है बच्चा ठीक है एक बार यहां से आया यहां से बाहर निकला तो फेफड़े के पास गया फेफड़े ने वापस भेजा तो वो प्योर आया अब लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निले क्या कर रहा है बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जैसे ही बाया निले कॉन्ट्रैक्ट करेगा आयोटिक वॉल्व के ऊपर एक दबाव डलेगा एक प्रेशर डलेगा ये वॉल्व खुल जाएगा और खुलने से सारा का सारा खून किसके अंदर आ गया ओटा 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 के अंदर आ गया। ओटा क्या होता 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 है एक होता है, है। बच्चा? एक एक आर्टरी धमनी और धमनियों में हमेशा कैसा ब्लड रहता है प्योर तो यहां पर भी कैसा था प्योर इस आयोटा के अंदर कैसा खून आया प्योर प्योर का मतलब कौन सा गैस ऑक्सीजन अब ये आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है फिर इस अयोटा से आगे ऐसे छोटी 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 बहुत सारी आर्टरी जुड़ी हुई होती हैं जिनको एक्ट्रियोल्स बोलते हैं हम और ये आर्टरीज जहां जहां से ऐसे 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 सारे ऑर्गन से जुड़ी हुई होती हैं अब ये क्या करेंगी बच्चा ये आर्टरी खून को लेकर जाएंगी कहाँ पर उसी जगह पर जिस ऑर्गन से क्या आया था बच्चा मान लो यहाँ पर मैंने लिखा था ना ऑर्गन यहाँ पर मैंने लिखा था ऑर्गन तो ये आर्ट्री क्या करेंगी उस खून को ऐसे घुमाती घुमाती उसी ऑर्गन के पास लेकर जाएंगी जिस ऑर्गन से खून आया था लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चा कि जब आया था तो उस कौन सा आया था सी ओ टू वाला लेकिन ये आर्ट्री लेकर जा रही हैं तो किस खून को ऑक्सीजन वाले को और ये ऑर्गन के पास वापस ऑक्सीजन आ गया फिर ऑर्गन क्या करेगा इस ऑक्सीजन से फिर अपने ग्लूकोज को तोड़ेगा भाई इसके पास था ऑक्सीजन से फिर तोड़ेगा। फिर तोड़ेगा तोड़ेगा तो फिर सीओ बनेगा फिर अपने सीओ टू को वेन्स को देगा और वेन ऐसे ले जाएंगी फिर ऐसे जाएगा फिर आर्टरी वापस ऑक्सीजन लाएंगी फिर ऐसे सीओ टू बनेगा फिर ऐसे और ऐसा प्रोसेस चलता रहता है और इसी को बोलते हैं हम क्या कार्डियक साइकिल या ब्लड सर्कुलेशन कार्डियक साइकिल या ब्लड सर्कुलेशन तो ऐसे हमारे सारे ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन छिड़क देता है कौन कौन तो बताओ कौन आप बताओगे हार्ट आप बताओगे हार्ट अब आप सोच रहे होंगे मैम इतना बड़ा प्रोसेस पता नहीं कितना टाइम लग रहा होगा एक बात सुन लो इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ जीरो पॉइंट एट सेकेंड लगते हैं पूरी प्रोसेस में सिर्फ जीरो पॉइंट एट सेकेंड लगते हैं तो हमारा जो दिल धड़कता है ना आप बोलते मेरा दिल धड़क रहा है तो धड़कने का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट किया खून बाहर रिलैक्स किया खून अंदर बोलते हैं ना दिल पंप करता रहता है पंप है ना पंप pump. तो पंपिंग का मतलब ही क्या होता है यही मतलब होता है पंपिंग का जो मैंने बोला ना हमारा हार्ट पंपिंग ऑर्गन है तो देखो बच्चा पंप ही तो कर रहा है यहां से बुलाया ब्लड बाहर भेज दिया फेफड़ों के पास फिर वापस आया सारे ऑर्गन्स के बीच में भेज दिया इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल अब एक बोल रहा है लप डब लप डब भी होता है अरे भाई रुक जाओ मुझे पता है निर्मल खुशवा डब होता है लेकिन सही टाइम पर सही बात बताना ही मेरा नैतिक दायित्व बनता है ठीक है चलो आप सुनो बच्चा मैम क्लास लेट स्टार्ट होता है कहाँ लेट स्टार्ट हुआ अमित आप क्लास में लेट आए क्लास स्टार्ट हुए एक घंटा हो चुका है ठीक है इस सारी प्रोसेस को होने में सिर्फ जीरो पॉइंट एट सेकेंड लगते हैं सोचो तुम तो, कितना सा टाइम है ना कितना सा टाइम अब एक बार फिर सुनो इस चीज को फिर हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे कि एक बारी में कितना खून निकलता है कितना आता है उसके बाद मैं सारे आपके डाउट क्लियर करूंगी बच्चों कि कितना ऑक्सीजन का मात्रा होता है कितना सीओ का होता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है लब डब क्या होता है हार्ट बीट कैसे बनती है एक एक चीज पढ़ाऊंगी बट जहां पर जो चीज जरूरत है वही आपको पढ़ना पहले जरूरी है अब फिर हम एक बार इसको ध्यान से सुनेंगे ठीक है सुनने के लिए तैयार हो इसको हटा दूं अगेन वापस से बनाए आपके दिमाग में एकदम सेट कर दूंगी ये चीज अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या थ्योरी पढ़ा रहे हो मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताओ देखो बच्चा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे पूछेगा ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आता है वेन

कुमार बायोलॉजी स्पेशल छह से आठ में ही चलेगा बस एक दो दिन की बात है जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद बायोलॉजी स्पेशल छह से आठ में ही चलेगा ठीक है चलो मैम आर्टरी में ब्लड ठीक है हाँ सही तो बोला मैंने आर्टरी में प्योर ब्लड है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी राइट वाले पार्ट से कनेक्ट है और राइट वाले में क्या होता है बच्चा राइट वाले में हमेशा इम्प्योर होता है चलो अब देखा देखो अब हम जल्दी से बनाएंगे एक एक नाम याद होना चाहिए कि हार्ट में कहां पर कौन सी चीज होती है ये आपका हार्ट ये आपका दिल, जो दिल जो आपका धड़कता रहता है बता है दो दिल धड़कने का मतलब क्या है ठीक है चलो ये आपका हार्ट ये हार्ट के अंदर कौन सी मसल है साप्टम। साप्टम ने चार चैंबर में डिवाइड कर दिया जल्दी से बताओ अच्छा खून लाल पेन से बनाएंगे क्योंकि लाल होता है खून ये कौन सा है लेफ्ट ओरिकल बाया कौन सा है लेफ्ट वेंट्रिकल ये कौन सा है राइट वेंट्रिकल ये कौन सा है राइट right right पर कितने वॉल्व वॉल्व तीन वौल्फ. तीन का का मतलब टी टी मतलब ट्राइक स्पीड त्रिक पर दी अच्छा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना वो इंग्लिश टर्म याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश टर्म ही आएगा ट्राइक स्पीड को हिंदी में ट्राइक स्पीड लिख देते हैं कभी कभी ठीक है और ये यहां पर कितने बनाऊं दो और दो का मतलब बाइक का स्पीड यहाँ आधा चांद बना दूं और यहाँ पर एक वॉल्व और बना दूं अब मैं अलग कलर के पेन से ग्रीन कलर के पेन से दिखाती हूँ कि इस चांद से किसको जोड़ेंगे हम इस आधे चांद से जोड़ेंगे हम अच्छा इसका नाम लिखूँ पहले इसको क्या बोलेंगे एस एल वी सेमी लोनार वॉल्व अर्ध चंद्र का पाठ अब इससे कौन सी आर्ट्री जोड़ दूँ इससे जोड़ दो मैम पलमनरी आर्ट्री पल्मनरी आर्टरी का मतलब क्या है ये धमनी। फूफूसों का मतलब क्या होता है लंग्स तो ये खून किसके पास लेकर जाएगी हमारे फेफड़ों फेफड़ों के पास। और फेफड़ों से जो वापस आती है आर्ट्री उसका नाम मैम क्या बना दे उसका नाम बना दो मैम आप पल्मनरी वेन इसको क्या बोलूंगी मैं पलमनरी वेन अब क्यों बोलूंगी क्योंकि ये फेफड़े से जुड़ी हुई होती है ठीक है फूफूस ये सीरा फिर ये खून कहा लाएगी यहाँ और इस वॉल्व से कौन जुड़ा हुआ होता है इस वॉल्व से बना दो आयोटा यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है आयोटा ये ऐसे डायग्राम में बन गया इसके ऊपर नहीं होता ऐसे कटेगा नहीं ठीक है ठीक है बच्चा ये कौन है आपका आयोटा ओटा या आयोटा कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के कोई मार्क्स नहीं होते ये लो बन गया रफली चलो मैम बना दिया आओ यहां पर आप अब यहां पर आओ बच्चों कहां पर यहाँ पर यहां पर मैम हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं अगर ये ऑर्गन चेस्ट का अपर पार्ट हुआ अच्छा पहले वो तो जोड़ो आपकी सुपीरियर इनफीरियर तो जोड़ो ये कौन सी है सुपीरियर वेना कावा क्या लिखूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में एस वी सी समझ में आ जाएगा सुपीरियर वेना कावा इसको क्या लिखूँ इनफीरियर वेना कावा आई वी सी उच्चतम वेना कावा निम्नतम वेना कावा यहां पर हमारे अंग हैं अब यही नहीं होते हैं अंग तो सारे में हैं अब मुझे तो ऐसे डायग्राम में बना के बताना पड़ेगा ना बच्चा अंग तो सारे में है तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट करना है आउट कौन करेगा लंग्स लेकिन ये खून पहले किसके पास जाएगा हार्ट हार्ट एज ए सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है पहले उस खून को अपने पास बुलाएगा ये खून सीधा फेफड़ों के पास भी तो जा सकता था लेकिन नहीं हार्ट को विश्वास नहीं है हार्ट बोलेगा मैं चेक करूंगा इस खून के अंदर सी टू है क्या सी टू तभी तो तुम्हें तो तुम फेफड़ों के पास भेजूंगा क्या पता तुम मेरा उल्लू बना दो इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए तुम ऑक्सीजन को बाहर करवा दो मर जाएंगे सारे ऑर्गन्स तो हार्ट बोलता है मैं पहले इस खून को अपने पास बुलाऊंगा उसके अंदर प्रेशर डालूंगा उसको पंप करूंगा फिर मैं इसको फेफड़े के पास भेजूंगा ठीक है इसीलिए हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और सर्कुलेटरी ऑर्गन है तो सारा का सारा खून सीओ टू वाला है और सीओ टू का मतलब क्या है बच्चा इमप्योर अब इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है वेन्स सिराएं बताया मैंने बहुत सारी सिराएं होती हैं बहुत सारी वेन्स होती हैं अब हम लाल कलर के पेन का यूज करेंगे जहां जहां लाल चलेगा वहां वहां खून होगा ठीक है वेंस अब वेंस क्या करती हैं ऐसे घूमती 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 वेंस बहुत सारी होती हैं कुछ वेंस यहाँ जुड़ी हुई होती हैं कुछ वेंस यहाँ जुड़ी हुई होती हैं अगर ये खून आया चेस्ट के अपर पार्ट से तो खून जाएगा सुपीरियर वैना कावा में ऊपर वाली वैना कावा में लेकिन अगर ये खून आया चेस्ट के लोअर पार्ट से तो ये खून जाएगा इन्फीरियर वैना सुपीरियर इंफीरियर वैना कावा सबसे बड़ी सिरा होती है लेकिन इन दोनों में बड़ी देखोगे तो नीचे वाली बड़ी होती है ठीक है सारा का सारा खून ऐसे खून आ गया बताओ कौन से चैम्बर में आया राइट ओरिकल, दाएं आलिंद में आया दाया आलिंद भर जाएगा तो क्या करेगा करेगा अंदर की साइड ऐसे मसल्स खिंचेंगे ये सारी मसल्स हैं ये मसल से बना हुआ यहाँ पर बहुत सारी ऐसे मसल्स हैं ये सारी मसल्स हैं हार्ट के अंदर ये स्पेस नहीं है खाली कहीं सोचोगे कि मैम ये तो स्पेस है खाली पड़ा हुआ नहीं बच्चा हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन पहली क्लास में ही बताया था बहुत सारी मसल्स हैं खींचेंगी अंदर की साइड खींचेंगी ट्राई कस्पिड वॉल्व के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा एक दबाव बनाएंगी और ट्राई कस्पिड की ओपनिंग हो जाएगी खुल जाएगा बेचारा दरवाजा है खुल गया ऐसे खून आएगा खून आएगा ऐसे राजाओं की तरह एंट्री होगी उसकी ऊपर से नीचे की साइड आया मतलब डाउनवर्ड लोकेशन में रहता है ठीक है किस चैंबर के अंदर आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर राइट वेंट्रिकल भर जाएगा भरने के बाद इस राइट वेंट्रिकल के अंदर यहां पर जो सारे के सारी मसल्स हैं वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी भरने के बाद कहेंगी ओ हमारे पास इतना तो खून आ गया आगा। आगा। हमें नीचे इसको बाहर भेजना है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करने से यह सैमिलोनार वोल्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये खून ऐसा होता हुआ सैमिलोनार वोल्व के अंदर आ गया अब सैमिनोनार वोल्व क्या करेगा चुपचाप अपना शांति से इसको किसके पास भेज देगा पेलिमिनरी आर्टरी पलवनरी आर्टरी खून को बाहर लेकर जाएगी अब बाहर कहाँ लेकर जाएगी इसका ऐसा तो है नहीं कि बाहर मतलब ब्रेन के पास ले जाएंगी किडनी के पास ले जाएंगी भाई जहाँ पर प्योर होना है प्योर का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन मिलना है और ऑक्सीजन कौन मिलाएगा फेफड़ा तो किसके पास लेकर जाएगी फेफड़े के पास और नाम से क्लियर है नाम से क्लियर है पलमनों का मतलब क्या होता है फेफड़ा तो सारा का सारा खून किसके पास आ गया फेफड़ों के पास आ गया और फेफड़े क्या करेंगे इस ब्लड में से सी ओ टू को क्या करेंगे बाहर किस को अंदर करेंगे ऑक्सीजन को और जरा बताओ ऑक्सीजन को अंदर करना सीओ टू को बाहर करना क्या कहलाता है प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण और प्यूरिफिकेशन किसका होता है ब्लड का तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है फेफड़ा करता है लेकिन ब्लड को फिल्टर कौन करेगा किडनी करेगा दोनों अलग अलग बातें हैं याद रखिएगा ठीक है अब क्या हुआ अच्छा कौशल कह रहे हैं मैम सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है अगर सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है ना कौशल तो आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो पुरानी वीडियो सब चल जाएंगी ठीक है चलो तो अब आपका CO2 बाहर हो गया ऑक्सीजन अंदर आ गया किसने किया फेफड़े ने अब फेफड़ों का नैतिक दायित्व बनता है कि जितना खून आया था उतना खून मुझे वापस भेजना है हार्ट के पास वरना हार्ट मेरा काम करना बंद कर देगा ठीक है देखो हार्ट फेफड़े के लिए काम करता है फेफड़ा हार्ट के लिए काम करता है दोनों भाई भाई हैं ठीक है छोटा बड़ा भाई है ये छोटा मान लो ये बड़ा मान लो क्योंकि ये तो अप्रोक्स 1.3 टू 1.5 किलोग्राम के होते हैं ये 300 ग्राम का होता है ये इसने इसका काम किया भाई लंग्स के लंग्स को क्या चाहिए था सीओ टू चाहिए था बाहर करने के लिए और सी टू किसने भेजा हार्ट ने हार्ट को क्या चाहिए था ऑक्सीजन तो दोनों भाई भाई हो गए ना एक भाई दूसरे भाई का, का काम कर रहा है तो हार्ट ने अपना क्या भेज दिया सीओ टू वाला खून किसके पास फेफड़े के पास फेफड़े ने क्या किया सी टू बाहर एंड ऑक्सीजन इन अब ये ऑक्सीजन किसके अंदर है फेफड़ों के ब्लड के अंदर है और ये ब्लड अब किसके अंदर जाएगा पल्मोनरी वेन का मतलब क्या होता है फूफूस फेफड़ा वो वेन जो फेफड़े से आती है और इसीलिए प्योर ब्लड होता है इसके पास देखो जो फेफड़े के पास जा रही है उसके अंदर इम्प्योर जो आ रही है उसके अंदर प्योर और ये किस टैंबर को मिलाकर खून छोड़ देगी लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर बहुत सारी मसल्स हैं इन मसल्स के ऊपर खून पड़ गया बहुत ज्यादा ये बोलेंगी हमें नहीं झिल रहा है हमसे ये झिल नहीं रहा है इतना खून तो वो क्या करेगा बच्चा आपका लेफ्ट ओरिकल की मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे अंदर की साइड खींचेगी कॉन्ट्रैक्ट करने से दो वाल्व है यहाँ पर बाय का ये खुल जाएंगे प्रेशर पड़ेगा खुल गया डायरेक्ट ऐसे खून नीचे की साइड आ गया राजाओं की तरह एंट्री करता है खून ऐसे तुरंत किसके अंदर आया बच्चा क्या बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब क्या है बाया नीले अब यहां पर भी बहुत सारी मसल्स हैं अब ये मसल्स भी क्या करेंगी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी बोलेंगे हम क्यों रखें जब किसी ने खून नहीं रखा तो हम कौन होते हैं रखने वाले ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आयोटिक वॉल्व की ओपनिंग होगी ये वॉल्व खुलेगा सारा खून आयोटा में आयोटा सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी होती है आयोटा सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है ये सबसे बड़ी है तो मतलब छोटी भी होंगी तो ऐसे आयोटा से बहुत सारी ऐसे लाखों में आर्टरी जुड़ी हुई होती हैं और ये आर्टरी उस खून को उठाएंगी चुपचाप और बोलेंगी हमारा तो एक ही काम है भाई हमें तो जो आयोटा ने काम दिया उसको वहीं पर जाके ट्रांसफर करना है जिस ऑर्गन से कैसा आया था इम्प्योर और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन फिर ये ऑर्गन इस ऑक्सीजन को काम मिलेगा फिर एनर्जी बनाएगा फिर से टू बनेगा फिर यह सीओ टू ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर जाएगा फिर आएगा अब एक बात बताओ हमारे हार्ट में खून कितनी बार आया और कितनी बार गया देखो बच्चों, एक बार यहां से आया खून यहां से आया दूसरी बार यहां से आया दो बार आया एक बार यहां से बाहर गया और एक बार यहां से बाहर गया तो दो बार आया दो बार गया दो बार आया दो बार गया तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है हमारा कभी एग्जाम में पूछ ले कि हमारे हार्ट के अंदर जो खून होता है उसका नेचर कैसा होता है सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन तो आप क्या बताओगे डबल सर्कुलेशन दो बार खून आता है दो बार बाहर जाता है इतना पॉइंट समझ में आया आपको ठीक है इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल और इसमें ऐसा नहीं है कि एक डेढ़ घंटा लगेगा सिर्फ 0.8 पॉइंट सेकेंड लगता है सोचो आप क्या क्या होता है आपके हार्ट के अंदर दिल के अंदर 0.8 पॉइंट सेकेंड कितनी सी होती हैं इतनी फ्रैक्शन में कंप्लीट हो जाती हैं देखो आप लोग दो साल पढ़ाई करते हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता अपने हार्ट से सीखो जीरो में देखो बच्चा क्या कर दिया ठीक है जीरो पॉइंट एट सेकेंड में क्या हो गया बच्चा जीरो पॉइंट एट सेकेंड में सारा कुछ खेल हो गया यहाँ पर तो अगर जीरो पॉइंट एट सेकेंड के लिए भी आपका हार्ट बंद हो जाएगा तो आप सब जानते हैं किसका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बंद मतलब समझ गए ठीक है बता दिया ये सारा इसको बोलते हैं कार्डियक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन मैम आप पूरा सम, आपका पूरा समझ में आ गया लेकिन ट्वेल्थ क्लास वाले बुक के डायग्राम से अच्छा देखो ट्वेल्थ क्लास की बुक में सारी चीज़ें एक डायग्राम में घुसा रखी हैं उसने मैं अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ आपको इसलिए आपको उसको छोड़ दो उसमें क्या है बच्चा सारा एक जगह पढ़ा रहा, पढ़ा रखा है ऐसे नोड ए वी नोड उसने क्या है सारी चीज़ें एक साथ एक साथ डाल रखी है ट्वेल्थ क्लास की बुक में इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप तोड़ तोड़ के मेरे साथ पढ़ो मैं तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ ना आपको ठीक है तो इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई मैम आज तो समझ में आ गया आज तो समझ में आ गया लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तो समझ में नहीं आएगा तो आपको लिखवाना पड़ेगा मैम है ना लिखवाना पड़ेगा कि कैसे आप, कैसे 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 आप खून आता है कैसे, कैसे जाता है जाता आज आगे तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो नोट्स नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा नोट्स कैसे बनाओगे मैं इसको पूरा लिखवाऊंगी तो मुझे ढाई घंटे लग जाएगा मैम जीएफआर क्या होता है बाद में बताएंगे बच्चा जीएफआर क्या होता है ग्लो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो यहां पर नहीं होता वो किडनी के केस में होता है ठीक है चलो अब मैं इसको एक चार्ट में बनवा देती हूँ ठीक है एक चार्ट बनवा दूंगी वो चार्ट आप बना लेना एग्जाम के लिए आपको याद हो जाएगा देखो बच्चा कैसा चार्ट बनाऊंगी मैं सबसे पहले खून आता है हमारे ऑर्गन से अंगों से खून लेकर आती है वेंस। और वेंस को लिखेंगे लार्जेस्ट वेन दो होती हैं बच्चा एक होती है सुपीरियर वेना कावा ठीक है एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इनफीरियर वेना कावा इन दोनों में भी बड़ा पूछे तो नीचे वाला बड़ा होगा अब ये दोनों किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती हैं तो जब चैम्बर का नाम लिखेंगे तो हम अलग कलर के पेन से लिखेंगे ये दोनों जुड़ी हुई होती हैं किस से राइट वेंट्रिकल से किस से राइट वेंट्रिकल और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे यार ये कभी कभी ना ये अपनी मर्जी से काम करने लग जाता है इनफीरियर ठीक है तो ये कौन से चैंबर से जुड़? अरे यार रुक जा यार तुम्हें पागल हो गया क्या इनफीरियर ठीक है अब इसको लिखो बच्चा हिंदी में अच्छा हाँ चलो ये कौन से चैंबर से जुड़ी हुई होती है राइट right वेंट्रिकल और राइट right वेंट्रिकल का मतलब क्या है दाया आलिंद ठीक है बच्चा अब दाया आलिंद की मसल्स क्या करेंगी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जैसे ही हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक वॉल्व की ओपनिंग होगी और कौन सा वॉल्व खुल जाएगा यहाँ से आप लिखोगे यहाँ से ट्राई कस्पिड खुल जाएगा ट्राई कस्पिड के खुलते हुए ही सारा का सारा खून कहाँ आ गया राइट वेंट्रिकल में आ गया राइट ओ सॉरी राइट ओरिकल होगा ऊपर वाला वही मैं सोच रही थी कुछ गलत हो रहा है ठीक है इसको ओरिकल कर देना बच्चा है ना राइट ओरिकल कहाँ आ गया राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल का मतलब क्या हो गया हिंदी मीडियम दाया दाया सेमी लोनारोल्व से कौन सी आर्टरी जुड़ेगी जल्दी बताओ किसको जोड़ू सेमी लोनार वोल्व से मैम आप जोड़ दो किसको पलमनरी आर्टरी और पलमनरी आर्टरी के अंदर कैसा खून रहेगा इम्प्योर और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसे फूफूस ये सीरा और पल्मनरी आर्टरी खून कहाँ लेकर जाएगी फेफड़ों के पास लंग्स के पास लंग्स को हिंदी में लिखेंगे फूफूस ठीक है और फूसफूस नहीं बोलेगा कोई बच्चा इसको अब लंग्स कौन सी प्रोसेस पे काम करेंगे लंग्स का काम है सी ओ टू को बाहर करो ऑक्सीजन को अंदर करो इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन होना आगे पढ़ा देंगे अब फेफड़ों से वापस खून आएगा तो कौन लेकर आएगा पलमनरी वेन पलमनरी वेन और पलमनरी वेन को हिंदी में क्या लिखेंगे फूफूसिए सीरा फूफूस ये सीरा और ये पलमनरी वेन किस चैम्बर के अंदर लाएगी खून तो मैम लेफ्ट वेन लेफ्ट ओरिकल ऊपर वाले में आएगा तो ओरिकल बाया आलिंद जब बाया आलिंद भर जाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा किसके ऊपर बाएं कस्पिड वोल्व के ऊपर बाएं कस्पिड से सारा खून कहाँ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाएँ नीले में बायां नीले लिखना इसको हिंदी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से खून कहाँ जाएगा आयोटिक वोल्व में किसके अंदर बच्चा आयोटिक वोल्व आयोटा का कपाट और नाम से ही क्लियर है ये किससे जुड़ा हुआ है आयोटा से आयोटा, महाधमनी है बच्चा आयोटा क्या है महाधमनी बहुत बड़ी और ये किसको देगी छोटी छोटी आर्टरी को तो आप इसको लिख लो स्मॉल आर्टरीज और स्मॉल आर्टरीज का मतलब है यह वापस अब ब्लैक कलर के पेन से बना देख लेना ये वापस खून ऐसे लाएंगी और कहां पर उसी ऑर्गन के पास ले आएंगी ओ भाई रे यार तू बहुत गंदा बोर्ड है मैं तेरे पे पढ़ाना छोड़ दूंगी स्मॉल आर्टरीज लिख लो स्मॉल आर्टरीज छोटी छोटी धमिया हिंदी मीडियम वाला चलेगा छोटी छोटी धनिया और ये खून को वापस उसी ऑर्गन के पास ले आएंगी अब आप मुझे बताओ कि कहा तक प्योर है और कहाँ तक इम्प्योर है अगर मैं देखू इधर की साइड में ये राइट चल रहा है सारा यहाँ तक देखू तो कैसा ब्लड है इम्प्योर और इम्प्योर का मतलब यहां पर कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और इस ऑर्गन में तो भाई लेना देना हो रहा है लेना देना मतलब दहेज नहीं लेना देना किसका गैसेस का इसको छोड़ दो यहाँ तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है लिख दो यहाँ तो भाई गैसेस का लेना देना हो रहा है कि तुम क्या दोगे और तुम क्या लोगे ठीक है हम तो लड़की देंगे लड़की के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है है ना तो लड़के वाले मानते हैं तो ठीक है नहीं मानते तो ठीक है अब बच्चों ये यह यहाँ पर क्या है यहाँ पर इधर की साइड में कैसा ब्लड लिख देंगी मैम यहाँ पे लिख दो मैम कैसा ब्लड प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का मतलब इधर किस गैस का अमाउंट अधिक है ऑक्सीजन का ये लो बच्चों अब कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं अब मुझे नहीं पता ओ राइट ऑरिकल कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने हाँ राइट ऑरिकल अच्छा लिख दिया बस कुछ गलत नहीं लिखा अब आप जाने आपका काम जाने कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं किस वॉल्व से प्योर जाता है किस आल्ट्री में प्योर किस में इमप्योर कौन कहाँ जुड़ा हुआ होता है कौन कहाँ लगा हुआ होता है कैसे भी क्वेश्चन आ जाए अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम छप गया तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप जल्दी से कॉमेंट करके बताओ जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो बताओ आगे नहीं पहुँचना आगे नहीं पहुँच ना लब डब क्या होता है ये सब अमन बोल रहे हैं मैम पी नहीं मिला अमन मैंने पी अपलोड करवा दिया है बच्चा एक बार रिफ्रेश कर लेना लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना और यार क्या पीडीएफ पीडीएफ करते रहते हो अगर मुझे ऐसा टीचर मिल जाता ना मैं सारा का सारा यहां से सा बना लेती पूरे नोट्स खुद से बना लो ठीक है मैम कार्डियक अरेस्ट में छल्ले खराब हो जाते हैं सब बताएंगे हम आपको थोड़ा रुको कि हार्ट अटैक कैसे आएगा सब पढ़ाएंगे रुक जाओ सब पढ़ाएंगे पढ़ाए से कोई डाउट हो तो बताओ आगे नहीं चलना सीने में दर्द कैसा होता है ठीक है मैं साइड हो गई थोड़ी साइड हो जाइए मैम पूरी हो गई हम समझ आ गया ओके मैम प्यूरिफिकेशन और फिल्टर में क्या डिफरेंस है भाई बार बार नहीं बताएंगी मैम पचास बार बता चुकी है प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान फिल्ट्रेशन का मतलब होता है खून के अंदर कोई टॉक्सिक कंपाउंड को है वहां तक की बात करो समझ में आ गया कभी कभी हार्ट तेज क्यों हो जाता है बताएंगे सब बताएंगे आपको अब चिंता क्यों कर रहे हो जीएस सेवन में कोर्स वैलिडिटी पीरियड कम हो गया भाई वो मैनेजमेंट का काम है अमित मेरा काम नहीं है कोई डाउट है नहीं है चले आगे चले आगे कोई डाउट नहीं है नो डाउट मैम ओके ओके सीओ टू सीओ टू ब्लड में किसके थ्रू सोलिबल होता है बच्चा हेमोग्लोबिन ही जोड़ता है सीओ टू ऑक्सीजन को कार्डियोलॉजी क्या होता है जो आप पढ़ रहे हो वो कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हो और कुछ नहीं पढ़ रहे हो ठीक है कल यूट्यूब पे कमेंट नहीं हो रहे थे अनिता हो सकता है कोई दिक्कत हो गई होगी यूट्यूब पे या आपको ब्लॉक कर दिया गया होगा आपने कुछ गलत गलत कमेंट किया होगा अच्छा अमन यार क्या पीडीएफ पीडीएफ करते रहते हो पीडीएफ खुद से बनाओ एक बार मैं कहती हूँ जीवन में नोट्स खुद बनाओ स्क्रीन नहीं ले सकते ये एप्लीकेशन में है वो नहीं है परमिशन नहीं है ना फिजिक्स का प्रोमो कोड कोई प्रोमो कोड नहीं है विदाउट प्रोमो कोड टू तो डबल नाइन में क्या प्रोमो कोड लोगे आप चले आगे चलो हो गया मैम प्लीज साइड हो जाइए चलो मैं साइड हो जाती हूँ बच्चे नोट्स बना रहे होंगे शायद देखो नोट्स ना साथ में मत बनाया करो मैं तुम लोगों को एक तरीका बताऊँ जब मैं पढ़ा रही हूँ ना मैं या कोई भी टीचर ठीक है तब क्या करना है आपको एक बार समझना है और एक बार वीडियो को और वापस देख लो कानों में ईयरफोन लगा के और नोट्स बना लो बस मैं कह रही हूं ऐसा समझ में आएगा कभी भूल ही नहीं सकते आप ये जो तो नोट्स नोट चिल्लाते रहते ना ऐसे खुद के नोट्स प्रिपेयर करो मेरा तो काम है देना मैं तो नोट्स दूंगी दूंगी कोई बात नहीं लेकिन खुद ऐसे करो ना बस ऐसे नोट्स बनाओ कि मजा आ जाए तुम लोगों को तो मुझे पढ़ा के मजा आ जाए बच्चा क्लास का देखने के लिए आप होम पेज पे शेड्यूल क्यों नहीं देखते हो आप ठीक है आ गया समझ में चलो अब चलते हैं हम आगे मैम वीडियोस की क्वालिटीज़ 240 करवा दीजिए यस yes, बच्चा 240 है एक बार आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अन इंस्टॉल करके इंस्टॉल करो 240 क्वालिटी मिल जाएगी आपको ठीक है मैम क्लास कितने बजे स्टार्ट हुआ है ग्यारह बजे स्टार्ट हुआ था बच्चा ग्यारह पाँच या ग्यारह दस पे हुआ था थोड़ा सा लेट हुआ था हो गया क्लियर है चलो एक बार मेरी क्लास देख लिया करो जब देखो तब नोट्स ना बनाए करो वरना तो बीच के रह जाओगे ना समझ में आएगा ना नोट्स बना पाओगे दूसरा बच्चा आपको क्या करना होता है दूसरी बार एक बार वापस वीडियो देखो कानों में लीड लगाओ और तुरंत सारे के सारे साथ में नोट्स बना लो ऐसी बायोलॉजी ऐसा जीएस तैयार हो जाएगा ना कभी आप सोचोगे नहीं नो डाउट मैम लेकिन क्लास ट्वेल्थ वाला समझा दो परमेश्वर लाल जांगिर आप पर मैंने पहले ही दो दो मिनट वेस्ट किए थे दो मिनट और करवा लो आप मुझसे मैंने कह दिया ट्वेल्थ क्लास में सारा एक साथ दे रखा है सारी चीजों को इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मैं उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ ठीक है हो गया चलो अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में ठीक है अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में सोचो ज़रा छोटा सा दिल कितना काम करता है अब इस दिल में तुम क्या क्या लेके बैठे रहते हो सोनिया पिंकी है ना न सरोज है ना अब तुम इतने सारे पहले बेचारे पे इतना लोड पड़ा हुआ है अब और इतना ज्यादा मत इसके अंदर कुछ घुसाओ यार सोनिया पिंकी रिंकी मिंकी कम करो थोड़ी ठीक है और लड़कियों के लिए मनोज सूरज ये सब है ना तो थोड़ा कम करो दिल में पहले बेचारे में बहुत वजन है एक रख लो भाई एक बहुत है एक का तो झेल लेगा पंद्रह बीस का थोड़ा ना झेल लेगा आपका हार्ट है ना ठीक है बच्चा चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर पढ़ना ब्लड प्रेशर मैं एक एक चीज आपको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूं जो एक बच्चा ट्वेल्थ क्लास का डायग्राम समझ में नहीं आ रहा नहीं आएगा मुझे ही नहीं आता मैं टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूं आपको हिंदी में लिखोगे रुधिर दाब यह बच्चा इसको बोलते हैं रक्तचाप रक्तचाप और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी बीपी मैम बस आज के लिए बहुत है अच्छा आज के लिए बहुत है हाँ अब देखो अब एक बच्चा बोल रहा है मैम दिल कैसे टूट जाता है एक बात बताओ मैंने इतनी चीज पढ़ाई क्या मैंने ये बोला कि दिल में फीलिंग्स होती हैं दिल में इमोशंस होते हैं दिल के अंदर कुछ नहीं होता दिल का एक ही काम होता है वो होता है ब्लड को ब्लड को भेजना फेफड़ों के पास जो बोलते हैं ना मेरा दिल टूट गया कोई दिल विल में कुछ नहीं होता है दिल में कोई दर्द वर्द नहीं होता है सब बोलने की बातें होती हैं ना दिल टूटता ना दिल जुड़ता ना दिल में कोई दर्द होता ना दिल में फीलिंग्स होती ना इमोशंस होते ना प्यार वाली होती ना नफ़रत वाली होती ये सब हमारा ये करवाता है ये क्या है हमारा दिमाग ये हमारी सुपर पावर है ये करवाता है इसके अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस वो सब फील करवाता है दिल विल कुछ नहीं टूटता है तुम सोचो दिल एक बार टूट गया तो फिर वापस कैसे जुड़ जाता है तुम्हारा वापिस मतलब खेल है क्या दिल कहता है बस मेरे से एक ही काम करवा लो मेरा काम है ब्लड को पंप करना इसके अलावा तुम कुछ काम करवाओगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा और यह छोड़ दूंगा तो तुम समझ रहे हो किसका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा ऑक्सीजन का ठीक है तो कोई दिल विल नहीं टूटता है सीधा अगर दिल टूटा ना उस दिन तुम लोग ऊपर भगवान के पास पहुंच जाओगे तो दिल का एक ही काम होता है वो दिल का काम क्या है अपने पास सीओ बुलाना और उस सी को फेफड़ों के पास भेजना CO2 टू टू को ऑक्सीजन की फॉर्म में वापस बुलाना वापस आपके दिल में आना फिर जाना फिर आना तो अगर इस दिल के अंदर तुम बोझ लेकर बैठोगे ना बहुत सारे तो बेचारा दिल धीरे 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 ये काम करना बंद कर देगा हार्ट के डॉक्टर को क्या कहा जाता है बच्चा हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ना जिन्होंने कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ होता है उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ठीक है थीके? हाँ दिल में छेद होता है ये बिल्कुल सही बात बोली आपने चलो ये आ, ये ब्लड प्रेशर हम कल से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है अभी नहीं हो पाएगा वैसे भी दो घंटे चाहिए मुझे अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि दिल में छेद हो जाता है बिल्कुल सही बोला चलो बताते हैं दिल में छेद कहाँ होता है ठीक है फीलिंग्स हार्ट में होता है नहीं होता अभिनव नहीं होता ठीक है चले देखो एक बच्चे ने पूछा बच्चे ने बोला है कि दिल में छेद हो जाता है नॉर्मली ये बच्चों के दिलों में होता है बड़ों में नहीं होता है एक बीमारी होता है बच्चा इसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस डॉक्टरों की लैंग्वेज में इसको फोसा ओवेलिस कहा जाता है दिल में एक छेद होता है डॉक्टरों की लैंग्वेज में उसको फोसा ओवेलिस बोलते हैं और इसी फोसा ओवेलिस से एक बीमारी और भी हो जाती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चा नीला पड़ने लग जाता है अच्छा बच्चों एक बात हमेशा याद रखना जब जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तब तब हमारा शरीर नीला पड़ने लग जाता है आपने कभी डेड बॉडी देखी है किसी इंसान की डेड बॉडी देखना एक डेढ़ घंटे के बाद जब इंसान की डेथ हो जाती है ना नीला पड़ जाता है वो क्योंकि डेड बॉडी मतलब उसके अंदर क्या नहीं है दिल उसके अंदर क्या नहीं है बच्चा उसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया तो जब जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ नीला पड़ने लग जाता है इंसान ठीक है चलो आप देखो इसको बोलते हैं बच्चा नीला पड़ के मर जाता है बहुत बार <coughs> रिपोर्ट में देखोगे पढ़ोगे तो आएगा फोसा ओवेस कॉमन लैंग्वेज में <coughs> हमारे बच्चे के दिल में छेद पाया गया है देखो बच्चा दिल में छेद होता कहाँ है जब आप माँ के पेट में होते हो ऐसा आपका ये आपका हार्ट है ठीक है ये हार्ट की सेप्टम है ये लेफ्ट ओरिकल है ये लेफ्ट वेंट ये नीचे वालों की छोड़ दो आप बात ये कौन सा है राइट ओरिकल, बाया आलिंद और ये क्या है राइट लेफ्ट ओरिकल, ये कौन सा है लेफ्ट ओरिकल, दाया दाया आलिंद बाया आलिंद अब जरा जल्दी से बताओ यहां पर कैसा ब्लड था सी ओ टू वाला यहां पर कैसा था ऑक्सीजन वाला यहां पर सी ओ टू यहां पर ऑक्सीजन तो बच्चा जब आप माँ के पेट में होते हो ना जब हम माँ के पेट में होते हैं तो बच्चा क्या होता है हमारे बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन आता है वो सारा का सारा माँ के माँ के बॉडी से आता है ऐसा नहीं है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारा दिल अंदर ही काम करना स्टार्ट कर देता है नहीं जब बच्चे का जन्म होता है ना तो सबसे पहली बार इसका दिल धड़कता है तो दिल सबसे पहले जब ब्लड बच्चे के अंदर क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन तो वो पूरा इम्प्योर ब्लड आ जाता है और वो बाहर निकलता है तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कभी कभी एग्जाम में कि जब बच्चे के हार्ट के अंदर सबसे पहली बार ब्लड आता है तो क्या होता है तो उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज आती है क्योंकि तो पहली बार हार्ट ने काम करना सीखा है तो जितना भी कचरा होता है ब्लड के अंदर वो सारा आ जाता है ठीक है तो जब हम माँ के पेट में होते हैं ना तब हमारे बॉडी में सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ से आती है ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये पढ़ा ही रही हूँ मैं ये पढ़ा ही रही हूँ ठीक है तो सारा का सारा ऑक्सीजन हम माँ के पेट से माँ मा से ले लेते हैं प्लेसेंटा होता है आगे हम पढ़ लोगे ये ठीक है सब तो क्या होता है बच्चा जब हम माँ के पेट में होते हैं ना तो ये जो यहाँ पर राइट ओरिकल है ये लेफ्ट ओरिकल है दाया आलिंद, बाया आलिंद. इसके बीच में जो मसल है ना ये मसल बीच में से ऐसे थोड़ी थोड़ी टूटी हुई होती है ऐसे बीच में से थोड़ा बना लो ऐसे पूरा मत तोड़ो इसको ऐसे बच्चा यहाँ से ऐसे टूटी हुई होती है ठीक है तो इसी को बोलते हैं फोसा ओवेलिस ठीक है कि हमारा जो राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल के बीच का जो मसल है सेप्टम वो थोड़ा सा टूटा हुआ होता है कब जब हम माँ के पेट में होते हैं भाई इस टाइम तो फर्क नहीं पड़ेगा ना इस टाइम तो क्या फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमें सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है हमारी मदर से मिल रही है हमारी माँ से मिल रही है लेकिन जैसे 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 बच्चा बड़ा होता जाता है अभी माँ के पेट में बड़ा होने का मतलब है कि उस बच्चे की अब डिलीवरी होने वाली है आठ साढ़े आठ पौने नौ महीने का हो गया है अब बच्चे की डिलीवरी हो रही है बच्चे का जन्म होने वाला है तो जैसे जैसे जन्म होने वाला होता है ना वैसे 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 ये सेप्टम ऐसे 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 बंद होती जाती है ऐसे बंद होने लग जाती है नॉर्मल केस में होती है लेकिन कुछ बच्चों में यह सेप्टम भर नहीं पाती है कुछ बच्चों में ये जो सेप्टम है, 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 वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती है। और बीच में यहां पर कोई होल रह जाता है। ऐसे छोटे छोटे छेद रह जाते हैं ये एक छेद भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं और इसी को बोलते हैं फोसा ओवेलिस या दिल में छेद होना अब इस बच्चे का जन्म हो गया माँ के पेट से बाहर आ गया अब जब बाहर आ गया तो आपको पता है बाहर तो इसको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए ही होगी तब क्या होता है बच्चा कि इस बच्चे के अंदर यहाँ से सीओ टू वाला खून आया फिर ये खून बाहर गया फिर फेफड़ों ने अपना काम कर दिया फिर ऑक्सीजन अब बच्चा यहाँ पर छेद है ये ऑक्सीजन यहां से यहां जानी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर छेद है तो ये खून वापस इसके अंदर मिल जाता है फिर वापस आएगा तो यहाँ से प्योर और यहाँ से इम्प्योर प्योर इम्प्योर मिक्स होता जा रहा है प्योर इम्प्योर मिक्स होता जा रहा है है ना जब प्योर इम्प्योर मिक्स होता जा रहा है जब यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ से यहाँ नहीं आया तो आप सोचो आयोटा में नहीं गया जब आयोटा में नहीं गया तो सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में क्या नहीं गया ऑक्सीजन नहीं गया तो उस बच्चे के सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास किसकी कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बच्चा क्या हो जाएगा नीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा उसकी स्किन नीली से दिखेगी आंखें नीली से दिखेंगी और इस बीमारी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम सिंड्रोम का मतलब होता है जो बीमारी हमें बाई बर्थ मिली है जन्म के साथ मिली ये बीमारी तो इसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस तो अगर सही टाइम पर डॉक्टर को दिखा लिया तो डॉक्टर क्या करेगा दिखाएगा एक्सरे करेगा पूरा आपका बॉडी का एमआरआई करेगा हार्ट के अंदर पूरा दिखाएगा और दिखाएगा देखिए ये आपके बच्चे के हार्ट के अंदर छेद है अब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका अब ऑपरेशन करके क्या करेंगे कुछ आर्टिफिशियल मसल्स होती हैं या आर्टिफिशियल कोई ऐसा आ, कोई मसल्स डाल देते हैं या ऐसा कुछ सॉल्यूशन डाल देंगे इसके अंदर कि केमिकली इस वॉल्व को बंद कर देते हैं इनको बंद कर देंगे जब ये वॉल्व बंद हो गया तो इधर का खून इधर इधर का खून इधर अब जो खून यहाँ आकर मिल रहा था वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि छेद तो बंद हो गया है तो इस छेद बंद होने के कारण ये खून यहाँ जाएगा और आयोटा में जाएगा और आयोटा से सारे ऑर्गन्स के बीच में चला जाएगा तो आप याद रखेंगे फोसा ओवलिस कहाँ होता है राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल के बीच का जो सेप्टम होता है जब हमारा जन्म नहीं होता है तब बच्चा हमारे इस इस मसल के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं पर वो धीरे धीरे भर जाते हैं लेकिन कुछ बच्चों में ये छेद प्रॉपर तरीके से नहीं भर पाते हैं तो जब उनका जन्म होता है तो उनके दिल में छेद की बीमारी हो जाती है जिसको फोसा ओवेलिस बोलते हैं और जिसके कारण बच्चे के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर आकर इम्प्योर के अंदर मिलता रहता है खून यहाँ से नीचे जाता ही नहीं है ऊपर आया ऐसे ऐसे मिक्स हो रहा है मिक्स हो रहा है और उस बॉडी की उस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और उस बच्चे का शरीर नीला पड़ने लग जाता है और इस बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है ठीक है तो ऐसे दिल में छेद होता है अब क्या है बच्चा यहाँ पर ना अगर किसी डॉक्टर को पता लग गया तो बहुत सारे डॉक्टर ना कमीने भी होते हैं यहाँ पर मैं सच्ची बोल रही डॉक्टर भी कमीने होते हैं ये मेरी फैमिली का ये केस है मुझे अच्छे से याद है मेरी एक दीदी है कज़न सिस्टर है तो बच्चा उसमें उनके ना बेबी हुआ उनका बेबी हुआ तो तो उनके बेबी में उसका बच उनका बच्चा ना दूध पीने के बाद दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था ढंग से तो वो नीला पड़ता था दूध पीते ही तो भाई सब घबरा गए तो सब ने डॉक्टर के पास लेकर गए तो मैं डॉक्टर का नाम तो नहीं लूंगी जयपुर में एक हॉस्पिटल है तो हमने जयपुर में दिखाया तो उस डॉक्टर ने क्या बोल दिया बच्चे को अंदर लेकर गए आधे घंटे के बाद एक्सरे वगैरह करके लाए कह दिया कि इसके दिल में छेद है ये कितने साल आठ साल पुरानी बात है कि इसके दिल में छेद है अब बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको आ, कह दिया उस हमारी दीदी जिया को कह दिया किसके दिल में छेद है आप तो चार लाख रुपए डिपॉजिट करवा दो और हम एक सर्जरी करेंगे और वो बच्चा तब उस टाइम था बच्चा चार या पाँच महीने का था वो हार्डली तीन चार महीने का होगा तो बोल दिया बाहर ला के आधे घंटे के बाद कि इसके दिल में छेद है एक्सरे करवा दिया दिखा दिया और छेद खुद ही बनाकर अब भाई जो पढ़े लिखे नहीं होंगे जिनको इतना ज्ञान नहीं होगा तो आपको अगर बच्चे को बचाना है तो आप चार लाख डिपॉजिट करवा दो हमें इसके दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी तो भाई दीदी दीदा ने सोचा भाई बच्चे को बचाना है तो अब चार लाख तो लाने पड़ेंगे लेकिन उस टाइम पर मैं थी तो मैंने कहा लव दिखाओ मुझे फिर मेरे को पता लगा तो फोन के थ्रू भाई ऐसे ऐसी बात है और मुझे पता है डॉक्टर करप्टेड है इंडिया में भ्रष्टाचार डॉक्टर भी करते हैं कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं बचा इंडिया में जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है ठीक है कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं बचा तो मैंने वो उनका एक्सरे वैक्सरे देखा मैंने कहा भाई उन्होंने पचास हजार रुपये डिपोजिट भी करवा दिए थे एडवांस मनी मैंने कहा नहीं छोड़ो हमें नहीं करवाना मैंने कहा दीदी दीदी आप यहाँ से निकलो फिर मैंने कोई एक और डॉक्टर का पता किया तो उन डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो हमने एक्सरे वैक्सरे कुछ नहीं दिखाया हमने बोला कि ऐसे बच्चे को दिक्कत है उन्होंने कहा कुछ नहीं है ये तो दूध पीता है ना तो दूध प्रॉपर इसका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है दूध पीने के बाद उसकी पीठ थपथपा दिया करो उसकी पीठ थपथपा दिया करो तो प्रॉपर तरीके से उसका डाइजेशन चल जाएगा थोड़ा सा बच्चे को ऐसे रब कर दिया करो पीठ को ढंग से या बच्चे को थोड़ी देर उल्टा लटा दिया करो और कुछ नहीं है हमने ऐसा किया बीस दिन बीस दिन के बाद बिल्कुल बच्चा एकदम ठीक नीला पड़ना था वो बंद हो गया एकदम और आज वो बच्चा आठ साल का हो गया सोचो अगर उस दिन वो दीदी जी जिजी हाँ कर देते और साइन कर देते बच्चे के लिए तो वो डॉक्टर कितने करप्टेड थे वो पहले दिल के अंदर छेद करते फिर उसको भरते ऐसा डॉक्टर था वो सोचो मैं चाहती थी तो उसका लाइसेंस कैंसिल करवा सकती थी लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो उस टाइम इतनी आठ साल पहले मैं भी इतनी मैच्योर नहीं थी कि कैसे क्या होता है लेकिन उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता था सेम डे वो पहले इसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं बच्चा कि वो पहले दिल के अंदर छेद दिखाएंगे पैसा कमाने के लिए नहीं है तो कर देंगे भाई अंदर ले गए आपके बच्चे को आपको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं आप अंदर क्या करेंगे तुम्हें क्या पता लग रहा है अंदर क्या हो रहा है तो इसके अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है एक एम्स का केस आया था 2009 में कि एक इंसान के दिल के अंदर पहले छेद किए गए फिर दिखाया गया कि छेद हैं इसको भरना पड़ेगा जबकि छेद नहीं थे उसके सोचो तो वो बच्चा आज आठ साल का है उससे कुछ नहीं है बढ़िया घूम रहा है बढ़िया फिर रहा है अपना कुछ नहीं कर रहा है वो इसलिए मैं बोलती हूँ हर प्रोफेशन में करप्शन है तो अगर ये दिल में छेद की बीमारी है तो एक डॉक्टर पे ट्रस्ट करके आप ये सब चीजें मत करो क्योंकि डॉक्टर्स भी करप्टेड होते हैं पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी कर जाते हैं वो अब बच्चा पैसा तो चलो उसके माँ बाप और कमा लेते हैं हमारे दीदी जिया जी और कमा लेते लेकिन छोटा सा बच्चा तीन महीने का उसका दिल खोल के रख देते यार और उस टाइम पर वो मर जाता तो कुछ हो जाता था उसको तो इसलिए अगर किसी कोई बीमारी होती है ना चार पांच बार डॉक्टरों के पास लेकर जाओ अलग अलग डॉक्टर के पास दिखाओ थोड़ा सा टाइम लो एकदम से हड़बड़ाना नहीं है कि आप कर दो हमारे बच्चे को बचा दो बचाना नहीं मार भी देते हैं वो ठीक है पैसा अपना पैसा कमाई लेंगे हार्ट का डॉक्टर होना मतलब करोड़पति अरबपति होना एक सर्जरी में आप पता ही है हार्ट के अंदर छोटी सी एक चीज़ होती है और उसको ठीक करने के लिए चार लाख रुपए पाँच लाख रुपये मांग लेते हैं डॉक्टर अब देने पड़ते हैं भाई दिल के साथ छेड़खानी थोड़ा ना कर देंगे हम है ना तो ये आप याद रखेंगे इसको फोसा ओवेलिस या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है या दिल में छेद होने वाली बीमारी कहा जाता है ठीक है चलो तो ये आज की क्लास हमारी यहीं तक थी अब बच्चा मैम पीठ थपथपाने से हॉल नहीं होल था ही नहीं